नमस्कार दोस्तों, राम राम, क्या हालचाल। उम्मीद है सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज काफ़ी टाइम के बाद मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, और इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज 5 जून है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है आज, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस है। तो कम से कम हमें और दिनों तक तो नहीं सोचते, लेकिन कम से कम आज तो ये सोचना चाहिए कि हमारा पर्यावरण किस तरफ जा रहा है, मतलब किस खतरे की ओर जा रहा है। तो हमें कुछ करना चाहिए, मतलब पर्यावरण के लिए तो पौधे लगा सकते हैं, साफ सफाई रख सकते हैं, यही कर सकते हैं। तो मैं सुबह सुबह खेत में गया था, वहाँ पर पड़ोस में खजूर का बाग था, कुछ पौधे जो हैं खजूर के वहाँ से निकालने वाले थे। मैंने उसका रीज़न पूछा, पता चला तो गांव में ही वो पौधे निकालने के बाद गांव में ही सड़क किनारे जो जोहड़ होता है वहाँ पर लगाए जाने थे। तो मैं कुछ देर तक वहाँ पर रुक गया और वो पौधे लाए गए गाँव के अंदर ही, सड़क किनारे उतारे गए और फिर हम घर पे आ गए। अब दोपहर के बाद जस्ट 4 बजे है, तो अब हम जा रहे हैं और ये पौधे वगैरह वहाँ पर लगाएंगे और आपको दिखाएंगे, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम अपने लोकेशन पर आ चुके हैं, और जो ये पीछे आप देख रहे हो गड्ढे खोदे हुए हैं, यहाँ पर पौधे लगाए जाने हैं। और खजूर वाले पेड़ जो है, ये देखो सामने, ये वाले खजूर वाले पौधे हैं तो लगाएंगे। जेसीबी भी खड़ी है, जेसीबी ड्राइवर, आपको दिखाते हैं पूरे पौधे लगने के बाद। लगभग 30 पौधे हैं, तो एक गांव के अंदर 30 पौधे लगेंगे। चलिए बात करते हैं हम, तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग टोटल गांव की बात करें तो 6,40,867 के करीबन बताया जाता है। अगर प्रत्येक गांव के अंदर 15 पौधे भी लगाए जाते हैं ना, मतलब इतना तो गांव है, इतना बड़ा तो होता ही है कि सड़क किनारे या भी कहीं भी जोड़ किनारे 15-15 पौधे अगर हम लगाएंगे तो इतने गांव में 6,40,867 कुछ इतने हैं, तो इसके अंदर लगाएंगे तो लगभग 1 करोड़ के समथिंग पौधे पाए मिल जाएंगे आपको, अगर इतने पौधे एक साथ लगें और उनकी मतलब देखभाल अच्छे से हो, खेचड़ देसी भाषा में कहते हैं, खेचड़ बढ़िया हो, तो मतलब इन्वायरमेंट में काफ़ी असर पड़ेगा। तो भाई, वीडियो देख के टाइम पास करने वालों से यही कहना चाहूँगा, कृपया करके पौधे ज़रूर लगाया करो, कम से कम यार साल में एक दिन आता है पर्यावरण दिवस, उसी दिन तो लगा दिया करो, ठीक है। किसको? खिलाड़ियों को खास तौर पर, विकी भाई जी कह रहे हैं खिलाड़ियों को खास तौर पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो खिलाड़ी भी कम नहीं है हमारे देश के अंदर, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको पौधे जो लगते हैं उनका भी वीडियो दिखाएंगे। और एक ट्राली और आई है अभी, मतलब खेत से जो पौधे लाए गए हैं उनकी भी वीडियो दिखाता हूँ आपको। ऊपर चढ़ गए? अरे ऊपर तो चढ़ो पहला, बसीरी और देंगे। बसीरी देंगे हाँ। और जो शुरू पकड़, विकास पकड़ पकड़ पकड़, कैसे हो आगे नहीं? हेलो बिट्टू। तो दोस्तों, फाइनली हमने खजूर के पौधे सड़क किनारे लगा दिए हैं, और अब आपको कैसे लगते हैं ये नज़ारा देखकर, खूबसूरत नज़ारा देखकर हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब हम चल पड़े हैं होटल की तरफ, और ये पार्टी, बिल्कुल पार्टी, लीलू राम जी, और ये है बिट्टू भैया। तो आज का कार्य पूरा समाप्त हो चुका है, अब घर की ओर चल रही है।